अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? नाउ टुडे आवर बुक इज किंगडम इंग्लिश। किंगडम इंग्लिश की मेरे पास बुक है फॉर नर्सरी क्लास, नर्सरी क्लास के लिए। नाउ ऑन पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 पर टुडे आवर टॉपिक इज लेटर एल साउंड ल, लेटर एल साउंड ल। नाउ इन दिस पिक्चर, अगर हम इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पर हमें जो है वो एक लड़का जो है वो दिखाई दे रहा है, और ये किस पे चढ़ रहा है? ये दीवार के साथ एक रस्सी से बंधी हुई एक लैडर है और ये उसके ऊपर चल रहा है। तो लैडर का क्या मतलब है? लैडर को उर्दू में सीढ़ी कहते हैं, और सीढ़ियाँ ये क्या कर रही है? ये चढ़कर दरख्त के या पेड़ के ऊपर जा रहा है। सो दिस इज अ लैडर, दिस इज अ लैडर, दिस इज अ लैडर। नाउ नेक्स्ट अगर मैं देखूं, सो ये जो पेड़ है ये लेमन का पेड़ है, क्योंकि ये बच्चा ऊपर चढ़ के नीचे जो है वो लेमन इकट्ठे कर रहा है। सो यहाँ पर हमें जो है वो लेमन भी दिखाई दे रहे हैं। सो दीज आर लेमन्स, दीज आर लेमन्स। लेमन्स को उर्दू में लीमू कहते हैं, और लीमू जो है ये एक तरह का खाने वाला ज़्यादा फ्रूट नहीं है। इसे क्या किया जाता है? इसे कभी हांडी में डाला जाता है, या कभी कोई ऐसी कोई चीज़ बनानी हो जो ज़रा चटपटी हो तो ये उस पर डाला जाता है। क्योंकि लीमू जो होता है ये बहुत खट्टा होता है, सो इसे जो है वो खाने से परहेज ही करते हैं। एक तो इसे गला भी ख़राब हो जाता है, और दूसरा ये कि ये खाया भी नहीं जाता। सो दीज आर लेमन्स, लेमन्स, लेमन्स। So in next, this is ladybug, this is ladybug, this is ladybug, 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 ladybug जो है ये एक तरह का कीड़ा है जो रेड कलर का होता है। ये काटता नहीं, और ये जो है ये बहुत ही खूबसूरत सा दिखाई देता है, और ये अक्सर हमें बाग में दिखाई देता है। जब हम कभी बागों में जाए ना, तो ऐसा ही बिल्कुल हमें जो है वो ladybug दिखाई देता है। Then next यहाँ पर हमारे पास है एक lamb, lamb, lamb। सो लैम जो होती है ये एक भेड़ है। लैम क्या है? एक भेड़ है। लैम वाइट कलर में भी होती है, ब्लैक कलर में भी होती है। सो दिस इज अ लैम, ये एक लैम है। सो किड्स, डू यू नो व्हाट इज द बिगनिंग साउंड ऑफ लैडर, लेमन, लेडीबग एंड लैम? लेडीबग, लैम, लेमन और लैडर की बिगनिंग साउंड क्या है? सो इट्स बिगनिंग साउंड इज लैडर एल साउंड ल, लेटर एल साउंड ल, ल ल लेटर, ल ल लेमन, ल ल लेडीबग, ल ल लैम। सो दिस इज लेटर एल साउंड ल, दिस इज लेटर एल साउंड ल। कैपिटल लेटर एल, स्मॉल लेटर एल, एंड इट्स साउंड इज ल। ये कैपिटल लेटर एल है और ये स्मॉल लेटर एल है, और इसकी साउंड ल है। ल लेटर, ल लेमन, ल लैम, ल लेडीबग, ल ल लेडीबग। सो किड्स, साथ साथ हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ट्रेसिंग करेंगे और इसे पढ़ेंगे। ल ल कैपिटल लेटर एल, स्मॉल लेटर एल, कैपिटल लेटर एल, स्मॉल लेटर एल, साउंड ल, ल ल। तो हम अब क्या करेंगे, हम रीड आउट करेंगे इस पोइम को। सो ल ल लेडीबग, 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 ल ल लेडीबग, लेडीबग, लेडीबग। वांट सम लेमन, ल ल लेमन, वांट सम लेमन्स, ल ल लेमन्स, लेमन्स इन द बास्केट, लेमन्स इन द बास्केट। लैम वांट्स टू क्लेम, लैम वांट्स टू क्लेम, अप द लेटर हाई, अप द लेटर हाई। सो किड्स, पेज नंबर 28 इज डन, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज। द नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 29। नाउ ऑन पेज नंबर 29 एक्टिविटीज, द फर्स्ट एक्टिविटी इज ट्रेस द डॉटेड लाइंस टू राइट द लेटर्स, स्टार्ट फ्रॉम द रेड डॉट एंड ट्रेस लेटर एल साउंड ल। यहाँ पर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर एल को हमने लिखना है, और ये स्टार्ट हो रहे हैं रेड डॉट से। सो हम रेड डॉट से स्टार्ट करते हुए इस कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर एल को लिखेंगे। देन इन फर्स्ट लेटर एल साउंड ल, दिस इज कैपिटल लेटर एल, कैपिटल लेटर एल साउंड ल, कैपिटल लेटर एल साउंड ल। नाउ दिस इज स्मॉल लेटर एल साउंड ल, स्मॉल लेटर एल, स्मॉल लेटर एल साउंड ल, स्मॉल लेटर एल साउंड ल। नाउ इन पिक्चर, द फर्स्ट पिक्चर इज लेडीबग, द लेडीबग्स बिगनिंग साउंड इज ल, सो राइट इट नाउ ल। नाउ नेक्स्ट इज लैम, सो व्हाट इज द बिगनिंग साउंड ऑफ लैम? ल, सो trace it now, l l ladybug, l l lamb. Now the next activity is color the object having the letter L with yellow and L for blue. यहाँ पर capital letter और small letter के क्या क्या है concept दिया गया है, कि जो capital letter हो